हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनाबॉलिक स्टेरॉयड के बारे में जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब स्टेरॉयड है डॉक्टर्स के द्वारा। डॉक्टर्स सबसे ज्यादा इसको मेडिकल यूज के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिकाड्यूरबोलिन के बारे में। लिवर पे ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लिवर और किडनी सेफ रहती है रिलेटिवली जब हम डेका के शॉर्ट कोर्सेस करते हैं। और हमें यह भी मालूम पड़ा कि उसके एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स भी कम है, जैसे कि एक्ने, हेयर फॉल, ये सारी चीजें कम होती हैं डेका से। और ये एक्चुअली साइंस ने प्रूव कर दिया, ये काफी स्टडीज में पाया गया और रिसर्च भी यही कहती है कि उसकी जो एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो साइड इफेक्ट्स कॉज करती हैं, वो बहुत कम होती हैं कंपेयर टू उसकी एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज। लेकिन काफी रीजंस की वजह से ये ट्रेंड धीरे धीरे फेड आउट हो गया। लेकिन अब हर पुरानी चीज की तरह ये ट्रेंड भी वापस आ रहा है। बहुत लोगों को डेका ओनली साइकिल्स के बारे में मैंने पूछते हुए देखा है और चलाते हुए देखा है बहुत लोगों को, और बहुत जिम ट्रेनर्स को इसको एडवाइस करते हुए भी देखा है। तो आज हम सारी चीजें सिस्टमैटिकली डिस्कस करेंगे डेका के बारे में कि उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके मेडिकल यूजेस क्या हैं, उसके एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं होते, और सबसे बड़ा सवाल कि डेका डिक क्या है, यानी कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत लोग फेस करते हैं डेका यूज करने के बाद कि उनका लिंग नहीं खड़ा होता और सेक्सुअल परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है, ऐसा क्यों होता है और उसको कैसे ठीक किया जाए और कैसे अवॉइड किया जाए। तो 1962 में जब डेका डिस्कवर किया गया तो FDA ने उसको अप्रूव किया कुछ मेडिकल चीजों के लिए, मेडिकल यूजेस के लिए, कि आप इन इन चीजों की ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। उसमें से नेमली कुछ चीजें जो मेजर चीजें थी वो थी एड्स केक्सिया, जिसमें लोगों का वेट बहुत कम हो जाता है, सिवियर माल न्यूट्रिशन में मसल गेन करने के लिए, मास गेन करने के लिए, इवन उस टाइम पे बच्चे जिनकी ग्रोथ रिटार्टेड होती थी और प्रॉपरली वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे उनको भी डेका दिया जाता था, लेकिन अब वो ग्रोथ हार्मोन से रिप्लेस हो गया है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज से लेके ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें आपकी बोन्स की डिजेनरेशन होती है, इन सारी चीजों के लिए डेका दिया जाता था। लेकिन अब मेनली ये मेरी फील्ड में ऑर्थोपेडिक्स में सिर्फ बोन और जॉइंट डिसऑर्डर्स के लिए दिया जाता है, उन एथलीट्स को दिया जाता है जो बहुत हैवी लिफ्टिंग की वजह से अपनी शोल्डर इंजरी कर लेते हैं, या उनको दिया जाता है जिनकी जॉइंट्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, या उनको दिया जाता है जो बर्न्स या पोस्ट ट्रॉमा पेशेंट्स होते हैं जिनका कोई बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ होता है, या उनके बर्न विक्टिम्स होते हैं, जले हुए होते हैं, उनकी रिकवरी फास्ट करने के लिए और उनकी अल्सर हीलिंग बेटर करने के लिए डेका दिया जाता है कुछ केसेस में। केमिकली अगर इसकी बात करें तो नैंड्रोलोन डेकानोएट इज बेसिकली 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन। यही एक 19 नॉर जो है इसको टेस्टोस्टेरोन से अलग करता है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज को अलग कर, और इसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी देते हैं टेस्टोस्टेरोन के साथ। दोनों चीजों को क्यों कंबाइन करते हैं, किस रेशो और किस डोजेज में कंबाइन करते हैं, उस बारे में भी बात करूंगा। लेकिन पहले सबसे बड़े सवाल पे आ जाते हैं कि डेका डिक क्या है, क्यों लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है डेका लेने से। अपनी हर वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि अगर बाहर से कोई हार्मोन लिया जाता है और वो ब्रेक डाउन होने के बाद एक ऐसा हार्मोन बनाता है जो आपकी बॉडी में खुद भी प्रोड्यूस होता है, तो वो हाइपोथैलमो पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सिस को सप्रेस करता है और अपनी बॉडी की जो एंडोजेनस अपने आप की प्रोडक्शन होती है उस हार्मोन की, वो कम हो जाती है। ये बात हमने बहुत वीडियोस में डिस्कस करी है, और ये भी एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से अपना खुद का टेस्टोस्टेरोन डेका लेने से भी कम होता है और उसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है। दूसरा मैकेनिज्म जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है वो होता है कि ये थोड़ा सा एंड्रोजेनिक तो है ही, अप टू 20% ऑफ टेस्टोस्टेरोन इसकी एंड्रोजेनिसिटी होती है। अगर टेस्टोस्टेरोन 100% एंड्रोजेनिक है, यानी उसके 100% एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स हैं, बाल गिरना, एक्ने, चेंज इन वॉइस, ये सारी चीजें जो होती हैं, वो सारी चीजें डेका से सिर्फ अप टू 20% थ्योरेटिकली सिर्फ 20% होंगी कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन, लेकिन 20% होंगी। तो सेकंड फैक्टर जो डेका डिक को कंट्रीब्यूट करता है वो होता है ये।
तीसरी चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो तीसरा मैकेनिज्म है, अब सारे लोगों ने बोला होगा आपको कि एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स नहीं होते डेका के, लेकिन जब आप डेका पर्सनली लेके देखते हैं या कोई भी पेशेंट लेता है और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं उसको क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उसको पफिनेस भी हो रही होती है, उसको वाटर रिटेंशन भी हो रहा होता है, उसको गायनेकोमास्टिया भी हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें कहां से हो रही है अगर एस्ट्रोजन नहीं? उसका जवाब ये है कि डेका एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स ना देके प्रोजेस्टेनिक साइड इफेक्ट्स ज्यादा देता है, वो प्रोजेस्टिंस की वैल्यू बढ़ाता है। और अगर एक लेमैन के टर्म से देखा जाए तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों फीमेल हॉर्मोन्स हैं और दोनों का काम लगभग सिमिलर होता है मेल बॉडी के अंदर। तो क्या होता है, बेसिकली रास्ता दूसरा है लेकिन साइड इफेक्ट्स वाली मंजिल वही है। तो आप बोलने के लिए थ्योरेटिकली आप जरूर सारी स्टडीज पढ़ के बोल सकते हैं कि एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स कम होंगे, लेकिन प्रोजेस्टिंस की वजह से वही सिमिलर साइड इफेक्ट्स दिखते हैं दूसरे पाथवे के थ्रू। और ये क्लियर होने के बाद कि प्रोजेस्टिंस फीमेल हार्मोन होते हैं, ये आपको बहुत आराम से समझ आ रहा होगा कि ये ना आपकी सेक्स लाइफ के लिए ठीक होंगे ना आपके लिबिडो के लिए ठीक होंगे, क्योंकि आप एक मर्द हैं। तो ज्यादातर लोगों की जो कंप्लेंट होती है डेका लेने के बाद कि लिंग खड़ा नहीं हो रहा, सेक्स करने का मन नहीं कर रहा, लिबिडो खत्म हो गया, सेक्स ड्राइव खत्म हो गई, सेक्स लाइफ खत्म हो गई, ये सारी चीजें इन तीनों मैकेनिज्म्स का कॉम्बिनेशन कॉज करता है और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डेका डिक। इसीलिए जब भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी डेका दिया जाता है उसके साथ साथ आपको टेस्टोस्टेरोन भी प्रिस्क्राइब किया जाता है एटलीस्ट 1:1 के रेशो में। और आजकल ज्यादातर जो प्रिस्क्रिप्शन दिए जा रहे हैं वो 2:1 के रेशो में दिए जा रहे हैं, जिसमें ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है कंपेयर टू डेका। यानी कि अगर 100 मिलीग्राम डेका प्रिस्क्राइब करा जाता है तो उसके साथ 200 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन प्रिस्क्राइब करा जाता है, ताकि डेका डिक और इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये सारी चीजें ना हो। इन साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट करने का एकमात्र तरीका यही है कि डेका के साथ टेस्टोस्टेरोन भी दिया। तो ये जो लोगों के दिमाग में आइडिया बना हुआ है कि हम खाली डेका चलाएंगे, डेका ओनली साइकिल ज्यादा सेफ है, वो आपके ऑर्गन्स के लिए जरूर थोड़ी सेफ होगी, लेकिन वो आपके डिक के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। बिना टेस्ट के डेका इरेक्टाइल डिसफंक्शन और लॉस ऑफ लिबिडो के फॉर्म में ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अब एक अच्छा पॉइंट मैं आपको डेका के बारे में बताऊंगा, बहुत बढ़िया ग्रोथ वो प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसके एनाबॉलिक इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और साथ ही साथ जो चीजें दूसरे एनाबॉलिक्स में परेशानी देती हैं जैसे कि किडनी डैमेज और लिवर डैमेज, ये चीजें डेका में ऑलमोस्ट जीरो होती हैं। अगर शॉर्ट टर्म कोर्स डेका का चलाया जाए तो उसमें किडनी और लिवर डैमेज बहुत ही मिनिमल होती है, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग। और बाकी जो कॉमन साइड इफेक्ट्स मैं हर वीडियो में हर एनाबॉलिक के डिस्कस करता हूँ कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा जिसको हम HDL बोलते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा जिसको हम LDL बोलते हैं, वो डेका के साथ बराबर देखा जाएगा। और अगर कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कार्डियक डैमेज भी उतनी ही होती है, ये भी एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि आपकी ब्लड वेसल्स में प्लाक का जमा होना बराबर प्रमोट करता है। ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, जो खून की नालियों की लाइनिंग होती है, उसको बराबर डैमेज करता है और हार्ट में बराबर प्रॉब्लम्स कॉज करने का पूरा चांस रखता है अगर मेडिकल सुपरविजन में ना लिया जाए तो। मेडिकल सुपरविजन में ये चीजें बहुत कम हो जाती हैं। आई होप मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया हो जो डेका से रिलेटेड है। अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल द कमेंट्स। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।